सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा है और इसके लेखिका बचेंद्र पाल है। अब तक हम इसके दो भाग पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमने पहले पढ़ा है उसे एक बार दोहरा लेते हैं। 7 मार्च को लेखिका अपने अभियान दल के साथ दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हो गई थी। 26 मार्च को वे पेरिस पहुंच गए थे। खुम्बो हिमपात के रास्ते होते हुए बेस कैंप पहुंच गए थे। रास्ते में 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। बेस कैंप पहुंचकर लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी व इसके अन्य श्रेणियों को देखा तो वह हैरान होकर देखते ही रह गई। और एवरेस्ट लोहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली नदी को भी निहारती रही। ग्लेशियर नदी के बहने से बर्फ में अक्सर हलचल हो जाया करती थी, जिसके कारण बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। इन सब बातों की जानकारी होने के बावजूद भी लेखिका बड़े साहस के साथ आगे बढ़ रही थी। आइए आगे का पाठ पढ़ लेते हैं। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ के आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अभी दूसरे दिन आने वाले अधिकांश सामान को, यानी कि ज़्यादातर सामान को, हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता उनके साथ थे। उन्होंने उन्हें एल्यूमिनियम, क्या होता है एल्यूमिनियम, एक प्रकार की धातु होती है, तो एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुलों का बनाना, जिन पर वे जा सकते थे चढ़कर, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, और हमारे अग्रिम दल के, जो उनके आगे दल जा चुका था, उसके अभियांत्रिकी मतलब तकनीकी कार्यों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी। किसने दी थी जानकारी? डॉक्टर मीनू मेहता ने। किसे दी थी? बचेंद्र पाल और जो उसके साथ ही चढ़ रहे थे। अस्थाई, जो स्थिर ना हो, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी, अभियांत्रिकी तकनीकी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। अभी तीसरे दिन क्या किया? तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर, मतलब के सामान अपने साथ लेकर, चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। उस कौन कौन थे साथ? एक रीता गोम्बो और एक खुद लेखिका, वो दोनों साथ साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी जो है क्या होता है, चलते समय हम इसके ऊपर जो है बात कर सकते हैं, चलते चलते बात की जा सकती है, जिससे कि हम अपने हर कदम की जानकारी जो है किन्हें दे रहे थे, बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए। वे जानकारी किसे दे रहे थे? कर्नल खुल्लर को दे रहे थे। वे उस समय बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि वे जो हैं कैंप 1 पर पहुंच गई हैं। क्यों खुश हुए थे? क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। यह सुनकर कर्नल खुल्लर बहुत खुश हुए। अंग दोरजी लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी।
अंग दोरजी लोपसांग और गगन बिस्सा ये उनके जो है अभियान दल के सदस्य थे। अंततः आखिरकार, अंततः का अर्थ होता है आखिरकार, कहाँ पहुँच गए, साउथ कोल, साउथ कोल पहुँच गए। और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह जो थी उनकी एक संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। लेखिका बता रही हैं कि जब वे अप्रैल में बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपने सबसे छोटी बेटी जिसका नाम क्या है डेकी के साथ जो है उनके पास आए थे। उन्होंने इस बात पर जो है विशेष महत्व दिया था कि दल के अभियान दल के जितने भी सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य के साथ और यहाँ तक कि प्रत्येक शेरपा कुली जो उनके साथ शेरपा कुली थे उन लोगों से क्या की जाए, बातचीत की जाए। वॉकी टॉकी वह रेडियो नुमा यंत्र जिस पर चलते चलते बात की जा सकती है। अंततः आखिरकार वॉकी टॉकी वह रेडियो नुमा यंत्र जिस पर चलते चलते बात की जा सकती है। दूसरा है अंततः आखिरकार। जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो तेंजिंग सबसे बात कर रहे थे, जब लेखिका की बारी आई तो लेखिका ने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, मतलब कि मैं जो है बिल्कुल ही नया, नौसिखिया कहते हैं नया नया सीखने वाला, कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट जो है मेरा पहला अभियान है। तो यह बात सुनकर तेंजिंग हंसे और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट जो है उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन उन्होंने यह बात भी स्पष्ट की कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें सात बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर उन्होंने अपना हाथ लेखिका के कंधे पर रखा और कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, कि देखने में जो है तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तो तुम्हें तो पहले ही कोशिश में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। नौसिखिया अनजान, नया नया कुछ सीखने वाला, अनाड़ी। दूसरा है अभियान, अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई। तीसरा है प्रयास, इसका अर्थ होता है कोशिश। आगे बढ़ते हैं। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। अब लेखिका यहाँ बता रही हैं, 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए एक सुंदर से रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप नंबर 3 में थे। कैंप में 10 और भी व्यक्ति थे और लोपसांग तशारिंग उसके तंबू में ही थे, लेखिका के साथ ही थे लोपसांग और तशारिंग। एंडी शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत
और ऊंचाइयों में रहने वाले जो शेरपा थे वे दूसरे तंबुओं में ठहरे थे। ये कब की बात बता रही है, 1516 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और कहाँ थे ये लोग, तंबू, ये कैंप नंबर 3 में थे। क्या हुआ आगे जानेंगे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तो लेखिका जो है गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 के लगभग क्या हुआ, उसके सिर के पिछले हिस्से में एक सख्त चीज के टकराने से लेखिका की नींद अचानक से एकदम से खुल गई और उसने क्या सुना, उसने एक जोरदार धमाका भी सुना। तभी उसे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, उसे क्या लगा कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज उसके शरीर पर से कुचलती हुई यानी कि उसको रौंदती हुई, उसको दबाती हुई जो है चल रही है और वह चीज इतनी भारी थी कि लेखिका को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ढलान, नीचे की ओर जाता रास्ता। ढलान का अर्थ है नीचे की ओर जाता रास्ता। धमाका, किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज़। धमाका का अर्थ क्या होता है, किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज़, कुचलती हुई, दबाती हुई या फिर रौंदती हुई। यह क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहौत से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधे ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अब क्या हुआ था, एक लंबा बर्फ का पिंड होता है टुकड़ा, एक लंबा बर्फ का टुकड़ा हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहौत से ग्लेशियर से टूटकर आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज होता है बर्फ का समूह, और उसका क्या बन गया था, एक विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय मतलब कि विशाल काय होता है शरीर, विशाल काय शरीर ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति, जैसे एक्सप्रेस गाड़ी जो है बहुत तेज गति से चलती है, वैसे ही उस विशाल काय पुंज ने जो है तेज गति और भीषण गर्जना, एक बहुत तेज आवाज़ के साथ जो है सीधी ढलान से नीचे आते हुए जिस कैंप में सो रहे थे उस कैंप को तहस नहस कर दिया। तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना। उनके कैंप को क्या कर दिया था उस विशालकाय पुंज ने, तहस नहस कर दिया था। वास्तव में इससे क्या हुआ था, हर व्यक्ति को चोट लगी थी। लेकिन एक आश्चर्य की बात थी कि मृत्यु जो है किसी की भी नहीं हुई थी, ठीक है। उस विशालकाय पुंज ने क्या किया था, उनके कैंप को तहस नहस कर दिया था और हर व्यक्ति को चोट लगी थी। आश्चर्य की बात थी कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पिंड का अर्थ होता है टुकड़ा। हिमपुंज, बर्फ का समूह। भीषण गर्जना, जोर की गरज। तहस नहस करना, नष्ट कर देना। अब इसके बाद क्या हुआ आगे जानते हैं। लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की
कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। लोपसांग जो कि उनके अभियान दल के सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, अपने स्विस छुरी की मदद से, स्विस छुरी मतलब कि स्विट्जरलैंड में बनी हुई जो चीज़ होती है उसे हम स्विस कहते हैं, छुरी मतलब चाकू, तो उन्होंने अपने स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करना शुरू कर दिया और वे उसमें सफल भी हो गए। और तुरंत ही बड़ी जल्दी ही तेजी के साथ उसे बचाने की कोशिश में लग गए, लेखिका को बचाने की कोशिश में जुट गए, क्योंकि वह बुरी तरह से दबी हुई थी बर्फ में, यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए, हिमपिंड आपको मैंने बताया पहले भी, हिम का मतलब बर्फ का जो समूह था, उनको हटाते हुए, उनके टुकड़ों को, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों को मुश्किल से हटाते हुए, उन्होंने उसके चारों तरफ जो कड़ी बर्फ जम गई थी उसकी पहले तो खुदाई की और उसके बाद वे उसे बर्फ की कब्र से निकालकर, कब्र होता है एक्चुअली जहाँ पर हम इसे किसी का जो मृतक शरीर होता है इसे दबा देते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि जो लेखिका थी उनका जो शरीर था वो मृतक नहीं था, लेकिन वह बुरी तरह से जो है दब गई थी, किसके अंदर, बर्फ के अंदर। तो वे जो है उसे उस बर्फ के कब्र से निकालने में क्या हो गए थे, सफल हो गए थे। स्विस स्विट्जरलैंड में बने हिमपिंड बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। अब सुबह तक, रात में ये सब काम हुआ, बर्फ हटाई गई, उसमें सफल भी हो गए लोपसांग, अभी सुबह तक सारे सुरक्षा दल जो है वहाँ पर पहुँच गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम कहाँ पहुँच गए थे, इतना सब होने के बाद ही देखिए, अगले ही दिन सुबह 8 बजे तक वो कहाँ पहुँच गए थे, कैंप 2 पर पहुँच गए थे। जिस शेरपा के टांग की हड्डी टूट गई थी उसमें जो है कईयों को चोट लगी थी, इसमें शेरपा थे एक जिनकी टांग की हड्डी टूट गई थी, तो क्या किया गया उसका इलाज करने के लिए, उसे एक खुद के बनाए हुए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे ले जाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने कहा, उनके शब्दों में क्या है सुनिए, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। इतनी ऊंचाई पर जो सुरक्षा कार्य किया गया था यह एक जबरदस्त साहसिक कार्य किया गया था। शब्दों के अर्थ जान लेंगे, स्ट्रेचर रोगी को लिटाकर ले जाने का उपकरण, स्ट्रेचर क्या होता है, ये रोगी को लिटाकर ले जाने का उपकरण। सुरक्षा कार्य बचाव का कार्य, सुरक्षा कार्य बचाव का कार्य, साहसिक हिम्मत वाला, साहस के साथ लगा है एक प्रत्यय, बना है शब्द साहसिक, इसका अर्थ होता है हिम्मत वाला। सभी नौ पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थे? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगे? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अभी सभी जिन सदस्यों को चोट लगी थी उन्हें जो है कैंप में, बेस कैंप में भेजना पड़ा, तो सभी नौ पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा उनकी हड्डियां जो थी वो टूट गई थी, इसके कारण उन्हें बेस कैंप में जो है भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर लेखिका की तरफ मुड़े और कहने लगे कि जब यह हादसा हुआ तो क्या तुम उस समय भयभीत थे? तो लेखिका ने उत्तर दिया, जी हाँ। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम भी वापस जाना चाहोगे? तो उन्होंने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, नहीं, मैं वापस जाना नहीं चाहूंगी।
जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन के अपने महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची, कौन से कैंप? साउथ कोल कैंप पहुंची, तो मैंने अगले दिन की अपने महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। साउथ कोल कैंप पहुंचते ही लेखिका ने अगले दिन के लिए अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की जो तैयारी थी वो पहले से ही शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। क्या क्या? एक तो खाना, कुकिंग गैस, खाना पकाने के लिए गैस, तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसने एकत्रित किए, इकट्ठे किए। जब दोपहर के 1:30 बजे बिस्सा आया, तो उसने क्या देखा कि लेखिका जो है चाय के लिए पानी गर्म कर रही थी, कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। ये उसके साथ जो ये जो सदस्य थे तीनों, उसके साथ जो है चढ़ाई के लिए चढ़ रहे थे, ये अभी बहुत पीछे थे। इसके लिए लेखिका को चिंता हो रही थी। वह चिंतित थे क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वे भारी बोझ लेकर आ रहे थे। उनके पास भारी बोझ था और वे जो है बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो विद्यार्थियों, आज के पाठ में जो हमने पढ़ा वो क्या था कि अपनी मंजिल पाने के लिए हमें कठिनतम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कठिनतम मतलब कठिन से कठिन, तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि लेखिका के साथ हुआ, वो घबराई नहीं, वो जो है आगे बढ़ती ही गई। तो हमें भी घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा जो है कोशिश करते रहना चाहिए। तो जो पाठ हमने पढ़ा है उसका जीवन मूल्य भी समझ लेते हैं। हमें जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से ना घबराकर हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। विद्यार्थियों, जीवन में जो अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा कर्म करना चाहते हैं, कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो हमें जो है उसे घबराना नहीं चाहिए। लेखिका के साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन वह उस दुर्घटना से घबराई नहीं थी। जब 15-16 मई को उसके साथ जो दुर्घटना घटी, उससे वह घबराई नहीं, वह जो है आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रही। तो वैसे ही हमें भी करना चाहिए। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आने वाली कठिनाइयों से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरा, हमें जीवन में साहसिक लोगों से प्रेरणा लेकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। जैसे कि लेखिका बचेंद्री पाल है, तो ऐसे साहसिक लोगों से हमें क्या लेनी चाहिए? हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और मुश्किलों का सामना करना सीखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने पाठ का अंश पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी घर पर आप जो है इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे, दोहराएंगे, क्योंकि पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।